हेलो गाइस, मैं हूं दिव्या। आप देख रहे हैं स्क्वाड। सो वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साइड में जो बेल वाला आइकन बनकर आएगा उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दो, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से पहुंच जाए। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है, कैनमास्टर एक बहुत ही बढ़िया मोबाइल एडिटिंग का ऐप है, जहाँ आपको सारे प्रोफेशनल एडिटिंग टूल्स मिल जाएंगे और इसको आप एडिट करने के लिए आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक मॉडिफाइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए और देखते हैं क्या क्या हमारे इस ऐप में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो स्टार वाला है, और हमारा वीडियो का नाम एक्सपोर्ट होने के बाद जो नाम रहेगा के ऊपर हम यहाँ छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद पता है ये वाला जो सेटिंग का सिंबल है, सेटिंग आप यहाँ पर माई इंफॉर्मेशन पर देख सकते हैं कि यह क्रैक वर्जन ऐप है, तो देख करेंगे। और आपका जो डिवाइस है वो कितनी रिजोल्यूशन की वीडियो को एक्सेस करेगा, मतलब मेरा जो मोबाइल है उसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा है और मैं आपको दिखा दूँगा जी। तो यहाँ पर है 3 डॉट, यहाँ पर आपको रन एनालिसिस पर क्लिक करके आपका मोबाइल का जो रिजोल्यूशन का आपका जो ये काइनमास्टर एक्सेप्ट करेगा उसको आप जान सकते हैं यहाँ से। तो मैं देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एडिटिंग का जो वीडियो का रिजोल्यूशन है ये 540p है, और जो लेयर का वीडियो है वो 540 और 360p का आता है। तो यहाँ पे मेरा मॉडल नंबर दिख रहा होगा आपका और एंड्रॉयड वर्जन दिख रहा होगा, तो मैं इसे देख कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप, मतलब यहाँ जो आप चेंज करेंगे ना वो सभी वीडियो और फोटो पर होगा जो आप एडिटिंग करेंगे पहले से। तो नीचे जाएंगे, इसके बाद आता है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वार्निंग दिखाता है कि हमारे जो जो ऐप है उसके रिस्क बहुत सारे हैं, तो अपने रिस्क पर चलने के लिए ये बता रहा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वीडियो का एक्सपोर्ट फ्रेम है, इंपोर्ट फ्रेम है, उसका जो फ्रेम पर सेकेंड आप यहाँ देख सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड, 240 फ्रेम पर सेकेंड। और यहाँ से जो लिखा है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, ये आपको ऑन करना होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो जो पहले मैं दिखा देता हूँ, जो हम चूज करेंगे इस रेशियो पर, हाँ हम मीडिया चूज कर लेते हैं, कोई बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, मतलब मैं ये देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको देता हूँ, तो यहाँ का देख सकते हैं कि ये है बैकग्राउंड, तो यह ये रहा बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पर जो लेयर पर क्लिक करेंगे ना, वहाँ आपको ये सिर्फ ये वाला इमेज ही दिखाई देगा, मतलब आप यहाँ लेयर पर सिर्फ इमेज का यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको चेंज कर देंगे, मतलब पहले सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट वाला जो है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा जो ये वाला, हमने इसको यहाँ किया था, तो यहाँ पर जो लेयर है वो अभी मीडिया हो गया, मतलब वीडियो और इमेज को ये कैप्चर करेगा। मतलब अगर हम इसको, इस वीडियो को हम अगर डालेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर दूसरा वीडियो लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो देता हूँ, ये वाला वीडियो, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो है अब ये चलने लगेगा, तो हम इसको करेंगे ऐसा और ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो क्रोमा की, ठीक है, हम इस वीडियो को क्लिक करेंगे। अगर आप कोई बैकग्राउंड, मतलब मोनोक्रोमेटिक बैकग्राउंड पे वीडियो शूट करते हैं तो ये आपको क्रोमा की के लिए सुविधा होगी, मतलब हम ब्लू और कोई भी येलो ग्रीन कोई भी बैकग्राउंड से करेंगे वीडियो, मतलब हम जब इसको अनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो फेस है
सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ पर जो बैकग्राउंड है वो कट गया है, ठीक है। इससे हम इसको एडजस्ट करके अपने वीडियो को मतलब जल्द कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कर्व है इसको मतलब सेटिंग करके हम जो साइड में जो बैकग्राउंड का जो मतलब कुछ पार्ट रह जाता है उसको हम सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके करने के बाद हमारा जो वीडियो है वो बैकग्राउंड से बाहर हो गया, मतलब येलो बैकग्राउंड से हमारा जो चल रहा है बैकग्राउंड इससे हो गया। हम इस फोटो के अलावा और भी वीडियो को भी रख सकते हैं, मतलब दिखा रहा हूँ अभी, देखिए इस वीडियो को हम कट कर देते हैं। हम अब डालेंगे ऐसे वीडियो जो इसके बैकग्राउंड में चलेगा, ये देखिए यह है वीडियो, बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, मतलब लेट्स गो दिखा दूँ, मतलब आपका वीडियो चल रहेगा और ये वाला वीडियो भी चलेगा। तो ये होता है अगर आपका वीडियो मतलब म्यूजिक का जो लाचिंग है अगर वो इधर उधर हो रहा है तो आप इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर दीजिए ऑडियो, और इसके बाद ये जो ऑडियो वाला पार्ट है ये आपका वीडियो से निकल आएगा। तो पहले इसको बिल्कुल पहले म्यूट कर देंगे, हम यहाँ जाकर म्यूट कर देते हैं, फिर जो इसका जो पार्ट है इसे पहले सुनते हैं। तो थोड़ा ये आगे पीछे हो गया है, मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा चला गया है, इसका हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको ये वाला कट का ट्रिम पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको इसको क्लिक करके यहाँ पर छोड़ देना है। तो आपका जो वीडियो है वो अपने तरीके से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसके बाद आता है ये वाला जो हमारा मीडिया है, मतलब अगर आप कोई भी अगर इसको कट क्रॉप करना चाहते हैं अपने तरीके से, मतलब इसको कट कर सकते हैं, सिर्फ आपके मुंडी दिखने चाहिए तो आप सिर्फ अपने मुंडी का भी रख सकते हैं और आप इसको फुल बॉडी में ही कर सकते हैं, मैं करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिवर्स वाला फंडा। तो रिवर्स क्या है कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर या मतलब पहले बना चुके हैं और उसके बाद इसको दिखा रहे हैं तो आप इसको वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आपका जो पहला वाला हिस्सा वो लास्ट में आएगा और लास्ट वाला आएगा पहला दिखाई देगा। तो इसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ। रिवर्स कंप्लीट हो गया है, मतलब अब ये लास्ट वाले से होगा, मतलब लास्ट देखिए वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्द से लाइक कीजिए और लास्ट में ये मत भूलना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सी यू। देखो मतलब मेरा जो वॉइस है इसको मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये पहला वाला है लास्ट में आ गया है, तो इसको पहले जिसका कर देते हैं। इसको पहले वाला कर देते हैं, ये पहले जिसका हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इन एनिमेशन, मतलब आपका वीडियो कैसे स्टार्ट होगा, अगर चाहते हैं कि फेड होके आए मतलब टॉप होए या स्लाइड होके आ रहे हैं, हम देते हैं इसके स्लाइड वाला। तो यहाँ पे आता है स्लाइड के ऑप्शन, मतलब ये कितना स्लो आ रहा है, कितना देरी पे आ रहा है। अगर आप देखिए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब और स्लो होता जाएगा, वो कितना स्लो हो गया, ठीक है ठीक है। ऐसे करते हैं तो पर बहुत सारे हैं, अगर आप स्टाम्प की तरह वैसे करना चाहते हैं तो ये होगा,
आप ऐसे कर सकते हैं, हम इसको देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और ओवरऑल एनिमेशन मतलब जो वीडियो का जो मिडिल पार्ट है, मतलब ये इतने में ये क्या क्या करेगा, मतलब देखिए पहले है हमारा तो है ऐसे ब्लिंक करेगा, मतलब वीडियो चल रही होगी और ब्लिंक करता रहेगा। और ये फ्लिकर है और ये जिटर है और ये फाउंटेन है, बहुत सारे मतलब, और ये है रिंग, मतलब आप इसे कोई लिख कर रखेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, ये फ्लोटिंग करेगा, मतलब मूव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं तो इसको करके आप मूव कर सकते हैं अपने बॉडी को। ये है रेन वाला, ये सी काउंटर क्लॉक है, एक क्लॉक है और बहुत सारे हैं, इसका हम नॉन पे कर देते हैं। उसके बाद आता है आउट डी, मतलब लास्ट में ये किस तरह क्लोज होगा, इसको फेड स्लाइड हेड इसको ट्रांजिशन में देते हैं कितने स्लो या कितने स्पीड का होगा। हाँ छोड़ देते हैं तो देखिए वीडियो कैसा बना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सी यू अगेन, बाय बाय। देखा कैसा हुआ, उसके बाद कुछ लिखेंगे मतलब लेयर पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपना नल का नाम लिख देता हूँ, छोड़ देते हैं, तो आप इसको ट्रांजिशन में भी ला सकते हैं, मतलब एनिमेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी फेडेड फेड और पॉप और स्लाइड और कुछ भी, वैसे ही जैसा मेरा वीडियो हो रहा था वैसे आप भी कर सकते हैं। तो इसको पॉप में रख देते हैं, पॉप करें, पॉप पॉप करें और आप इसको वाटरमार्क की तरह भी रख सकते हैं, मतलब आपका वीडियो कॉपी नहीं हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट द स्क्रीन, मतलब अगर हम इस तरह क्लिक करेंगे या इस तरह, मतलब ये जो पार्ट है ना आपका जो, मतलब कौन सा पार्ट आप रखना चाहते हैं वही चेस रहेगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ फुल पे और यहाँ पे अल्फा और कैपेसिटी है, मतलब ये आपका वीडियो को अंदर मतलब गायब कर देगा, मतलब अगर थोड़ा ही आपको रखना है, मतलब इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जब हम नेम लिख के इसको हम वाटरमार्क की तरह रखेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अल्फा जो हमारा नेम है, थोड़ा फेड होकर फेड हो जाएगा, हम इसे छोड़ देते हैं, मतलब ये वाटरमार्क की तरह काम करेगा। और आप इसको अगर और वीडियो को अगर मिररिंग करना चाहते हैं तो रोटेट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं रोटेट, मतलब इस साइड उस साइड हो जाएगा। और आप अगर ऊपर की तरह हैं और नीचे की तरह वीडियो बना रहे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने से ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। और आप अगर रोटेट करना चाहते हैं अपने तरीके से तो यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं करें, तो उसके बाद आता है हमारा कलर फिल्टर, मतलब अगर आपका वीडियो थोड़ा लो क्वालिटी हो गया है तो आप यहाँ पे जाकर बेसिक पे जाकर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब आपका वीडियो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फेड हो जाएगा और यह कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, वार्म कोल्ड विविड मोनोक्रोम लो सैचुरेशन, हम नॉन पे कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो एडजस्टमेंट, मतलब कलर एडजस्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड पे पूरा कलर है, मतलब लाइटिंग
और ये आपका जो गाढ़ा है उसको बढ़ा देगा, जिसको आप इसलिए अपने बॉडी का ही पार्ट है उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है EQ, मतलब आपका साउंड का जो, मतलब आप अगर आप वॉइस डालते हैं तो उसका जो मतलब क्लियरेंस यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हिप हॉप, जैज, नेचुरल, पॉप, R&B, मतलब रेबल बूस्टर, इसको क्लिक करने से आपका जो वॉइस है ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम इसको नॉर्मल पे कर देते हैं। अगर आपको लाइक कीजिए और उसके बाद अगर है वॉल्यूम एंड बल्ब, मतलब आप यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि लास्ट में जो मेरा वॉइस है वो थोड़ा कम सुनाई दे तो यहाँ पे आप इसको डाउन कर दीजिए, इस ऐसा कर दीजिए और जो लास्ट वाला ऐसा है उसको डाउन कर दीजिए, तो आपका जो वीडियो होगा अगली वीडियो में मिलते हैं। सी यू अगेन, बाय बाय। थोड़ा कम हो गया, मतलब जो साउंड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब और उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अच्छा है हमारा वॉइस चेंजर, मतलब अगर आपका वीडियो का वॉइस डरावना बना जाते हैं, अगर आप हॉरर स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर पर मिल जाएगा जो कोरस वॉइस रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पीच एलियन कंफ्यूजन कर सकते हैं, मतलब और डिप कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको नॉर्मल पे भी छोड़ सकते हैं, मतलब अगर आपका वॉइस अच्छा है तो आप नॉर्मल पे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद है लूप, मतलब आपका जो वीडियो पहला और लास्ट वाले से लूप हो जाएगा, मतलब फिनिश होगा यहाँ पर। और यहाँ पे है ट्रिम, ट्रिम का ऑप्शन, मतलब अगर आप वीडियो को लास्ट में थोड़ा कट करना चाहते हैं, ट्रिम का ऑप्शन है, आप पहले ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले एड मारते हैं तो जो पहला वाला हिस्सा है वो कट हो जाएगा, और अगर आप ट्रिम टू राइट और प्ले एड मारते हैं तो आपका जो बाद वाला हिस्सा है वो कट हो जाएगा, और अगर उसका जो स्पीड टू प्ले एड मारते हैं तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, मतलब यहाँ से कट हो गया। तो उसके बाद पता है हमारा ब्लेंडिंग, अगर आप वीडियो को ब्लेंड करना चाहते हैं, मतलब ओवरले करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस वीडियो के साथ, ये भूल जाएगा, ये सब करके कर सकते हैं, इसका नॉर्मल पे ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आप का जो साउंड इफेक्ट है इसको बढ़ा सकते हैं, पहले 100 ही होगा तो आप इसको 200 कर दीजिए, जैसे कि आपका वीडियो ज़्यादा अच्छा सुनाई दे। और यहाँ आप पिच को कम कर सकते हैं, थोड़ा पिच में चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप DJ बनाना चाहते हैं, तो 3D वॉल्यूम 3D म्यूजिक बनाना चाहते हैं तो इसको आप लेफ्ट और राइट से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पहला वाला जो ऑडियो है पहले लेफ्ट में बजेगा और फिर राइट को आएगा, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, इसको कर देते हैं। इसके ऊपर हम वॉइस डालना चाहते हैं, मतलब वीडियो चल रहा है और आपने कहीं पर थोड़ा गलती से कुछ बोल दिया तो उसको पहले ऐसे कट कर दीजिए और यहाँ पर कट कर दीजिए। तो यहाँ का जो पार्ट है, मतलब मुझे अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ वॉइस पे क्लिक करके अपने वॉइस को यहाँ पे कट बटन क्लिक करके दे सकता हूँ, मतलब अगर मैं देखा हेलो गाइस मैं बहुत खुश हूँ तो स्टॉप कर देंगे और ये जो म्यूजिक का पार्ट है यहाँ आपका लग जाएगा। तो दिखा देता हूँ प्ले करके, अगर आपको लाइक कीजिए और देखा थोड़ा साउंड इफेक्ट कम है, हम इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके,
और हम इसको पहले जैसा बना देते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा ऑडियो, मतलब अगर आप बैकग्राउंड में कुछ ऑडियो डालना चाहते हैं, मतलब आपका वीडियो चल रहा है और बैकग्राउंड में दूसरे कोई भी ऑडियो चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे हम इसको वीडियो के अंदर भी ऑडियो रख सकते हैं, मतलब आप अगर इसको बैकग्राउंड में बना चाहते हैं। हम जब भी बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं तो इसको थोड़ा वॉल्यूम में कम कर दीजिए, मतलब यहाँ पे आपको रिड्यूस कर देना होगा इसको 15 जी, ताकि आपका जो वॉइस है ज़्यादा सुनाई दे और ये थोड़ा ही सुना दे। ठीक है, और उसके बाद इसे कट कर देते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड का काम हमारा रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हैं, मतलब इसको कैप्चर करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो यहाँ पर आपका कोई थंबनेल रखना है, मतलब मुझे लगता है मुझे इसको थंबनेल पर रखना है या इसको, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ जो है कैप्चर एंड सेव, मतलब ये कैप्चर हो जाएगा अपने मोबाइल पर। ठीक है, ये लिख रहा है। और अगर आपको ये जो कैप्चर का पार्ट बीच में डालना है तो कैप्चर एंड ऐड ए क्लिक, मतलब आपका जो बीच का पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है आपका लास्ट में लग जाएगा। अगर आप इसको कैप्चर एंड ऐड ए लेयर करते हैं तो ये कैप्चर होगा और आपका वीडियो पे लेयर बन के रह जाएगा। ये देखो एक लेयर बन गया फोटो। ठीक है, इसके ऊपर देते हैं। उसके बाद तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एड पे क्लिक मारते हैं तो ये जो पार्ट है आपका पहले और लास्ट में लग जाएगा, मतलब इसको आप मूव भी कर सकते हैं, जैसे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको मूव करके लास्ट में डाल देना होगा। अगर आप इसको लास्ट में रखना चाहते हैं तो लास्ट में छोड़ देना है, तो लास्ट में ये बन जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आता है, देखो पहले मैं इसको अपने वीडियो में डाल देता हूँ एडिट लेयर, तो डालने के बाद ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लॉक का बटन दिखा रहा होगा, मतलब ये अभी लॉक है। अगर आप इस वीडियो को बीच में जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का बटन आएगा, इसको जो प्लस होगा वहीं पर आपको इसको बड़ा कर देना होगा। ठीक है, मतलब ये जो स्टार्टिंग से छोटा होके यहाँ पे आके ख़त्म होगा, जो बड़े वाला है इसे ख़त्म होगा। तो अगर यहाँ बड़ा करना चाहते हैं और उसके बाद लास्ट में इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे और एक दे दीजिए और इसको छोटा उसी जगह पे छोटा बना दीजिए। तो इसका जो है ये पहले है इसका, अगर आपको बड़ा होगा और ऐसे छोटा हो जाएगा, वहीं पर जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं और यहाँ पे आपको अगर बहुत सारा एडिटिंग हो गया है, मतलब टैग हो गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ये करके कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको जो लेयर आप देख सकते हैं वीडियो कैसे चल रहा है, मतलब एडिटिंग कर रहे हैं और वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं और इसको काट भी दे सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद अगर आपका वीडियो ठीक लगे कि हो गया है हमारा वीडियो, तो यहाँ पे आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट दिखा देगा। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, और घटाना चाहते हैं घटा सकते हैं,
तो यहाँ पे जब रखने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि अबाउट 6 MB, मतलब यहाँ चेंज हो जाए। नीचे देखिए एक्सपोर्ट के पास, तो ये चेंज हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये 7 MB का हो जाएगा। सर एक्सपोर्ट मारते हैं तो ये भी एक्सपोर्ट होगा। देखिए ये अभी एक्सपोर्ट हो गया, मतलब आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, वीडियो कैसा हो गया है तो प्ले हो जाएगा। और यहाँ आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा है और डिलीट का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्द से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सी यू अगेन, बाय बाय।